हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ तपुषी। आज मैं लेकर आई हूँ प्योर बंगाली मुड़ी घंटों की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं मुड़ी घंटों रेसिपी करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए एक कटे हुए प्याज, थोड़ा धनिया पत्ता, चीरे हुए दो मिर्ची, एक कटा हुआ टमेटो और एक कटा हुआ आलू। मसाले में हमें चाहिए एक टीस्पून जीरा, दो लाल मिर्च, दो इलायची, तीन चार लवंग, थोड़ा सा दालचीनी, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर और तेज पत्ती। नमक ले लेना है स्वाद अनुसार और चाहिए घी और गरम मसाला, ये कॉफ़ी नहीं है, गरम मसाला है। और जिसके बिना मुड़ी घंटों नहीं होगा वो है मछली का माथा और थोड़ा सा गोविंदभोग चावल। मछली के माथा को मैं पहले ही नमक और हल्दी लगा के फ्राई करके रख दी थी। पहले कटे हुए आलू को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए गैस को मीडियम फ्लेम में ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया। आज पूरा कुकिंग सरसों के तेल में ही होगा, तो थोड़ा सा सरसों का तेल दे दिया। थोड़ा गर्म होने के बाद उस पर नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दिया। तेल में डाले हुए नमक और हल्दी का कलर थोड़ा चेंज होते ही उस पर कटे हुए आलू डाल देंगे फ्राई होने के लिए। आलू को थोड़ा भून लेंगे और अच्छे से बॉयल होने के लिए इसको कवर कर देंगे। अभी हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका मतलब आलू फ्राई हो गया है, तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा गर्म होते ही सांभर देने के लिए दो सूखा लाल मिर्ची, दो इलायची, दालचीनी, लवंग और तेजपत्ता डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए उसको भूनेंगे और थोड़ा जीरा भी डाल देंगे। लगभग 30 सेकेंड मसालों को भूनने के बाद कटे हुए प्याज को तेल में डाल देंगे और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। पूरा इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अभी टमेटो डाल देंगे और दोनों चीज़ को अच्छे से फिर फ्राई करेंगे। इसके लिए प्याज को पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं किया था। लगभग 30 सेकेंड तक इसको फ्राई करने के बाद अभी धीरे धीरे सभी मसाले को ऐड करते जाओगे। पहले दे दूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, फिर 1 टीस्पून जीरा पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, फिर दे देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये आपका स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। फिर दे देंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी दे देंगे। फिर दे देंगे 1 टीस्पून शक्कर। शक्कर देने से क्या होता है, सब मसाले का बैलेंस हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अभी सभी मसाले को अच्छे से मिक्स्ड करके थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, एकदम थोड़ा सा पानी। अभी कढ़ाई को एक ढक्कन से कवर कर लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से जल्दी पक जाए। तो देखिए अभी हमारे मसाले अच्छे से पक गया है, मसाले से तेल छोड़ने लगा है। अभी इस पे थोड़ा सा गोविंदभोग चावल ऐड कर देंगे। चावल को मैं पहले से ही धो के थोड़ा सा पानी में भिगो के रखी थी। मसाले को थोड़ी देर अच्छे से चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। अभी इस पे डाल देंगे 2 कटे हुए मिर्ची और पहले से फ्राई किया हुआ आलू और फ्राई किया हुआ मछली का माथा ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे। फिर 2 कप गरम किया हुआ पानी इस पे ऐड कर देंगे।
अभी एक ढक्कन से इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा चावल अच्छे से पक जाए। तो इसके लिए मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए लगभग 15 मिनट बाद हमारा मुड़ी घंटो तैयार हो गया है, चावल भी अच्छे से पक गया है। अभी इस पे हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून घी और 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ता। गैस का फ्लेम बंद कर दे और मुड़ी घंटो को सर्विंग प्लेट में सर्व करें। ये मुड़ी घंटो आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो रोटी राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप भी घर पे ट्राई कीजिए मुड़ी घंटो की रेसिपी और मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइए आपका मुड़ी घंटो कैसे बना हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी देखने का मौका मिले। और ऐसे कुकिंग रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।